हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। काफ़ी दिनों के बाद आज आप लोग के लिए हम 7th क्लास की हिस्ट्री पढ़ाने जा रहे हैं। तो 7th क्लास के हिस्ट्री का जो पहला चैप्टर है उसमें इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि हिस्ट्री में कहाँ से क्या पढ़ना है। जिस तरह के से हम 6th क्लास के में पढ़े थे उस तरह 7th क्लास भी है, ठीक है। इस हिस्ट्री को पढ़ने के लिए सबसे पहले आप 6th क्लास को पढ़ लीजिए। 6th क्लास का जो पहला चैप्टर है वो 3 पार्ट्स में बना हुआ है, उसको पढ़ लीजिए। वो काफ़ी एक्सप्लेन करके बना हुआ, उससे बचे हुए जो एक्स्ट्रा चीज़ है, जो एक्स्ट्रा कंटेंट है, वही इसमें बताया गया। बाकी सभी सेम है, लगभग सेम है, जैसे कि हिस्ट्री का डिवीजन, हिस्ट्री का डिफिनीशन वगैरह सभी उसमें दिया गया है। इसमें सिर्फ हम लोग पढ़ेंगे जो एक्स्ट्रा 7th क्लास में पढ़ना है। तो इसमें जैसे कि उसमें हम लोग आप लोग को पढ़ाए थे कि हिस्ट्री क्या होता है, वो तो बता ही दिए हैं। उसके बाद इसमें उसके हिस्ट्री के जो अलग अलग पार्ट्स है उसके बारे में पढ़ेंगे, उसमें भी बता दिए हैं कि एंशियंट हिस्ट्री, अब इसका कितना टाइम पीरियड है वो उसमें दिया हुआ है, ठीक है। एंशियंट हिस्ट्री के बारे में, मेडिवल हिस्ट्री के बारे में और मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में, तो हम लोग उसमें डिस्कशन कर चुके हैं कि एंशियंट हिस्ट्री के बारे में हम लोग 6th क्लास में पढ़ा करेंगे, मिडेवल के बारे में हमें 7th में अभी इस क्लास में पढ़ना है, और मॉडर्न को हम लोग को अगले साल 8th क्लास में पढ़ना है। तो मिडेवल पीरियड का जो मिडेवल हिस्ट्री है उसका टाइम पीरियड है 712 AD to 1707 AD, ठीक है। इसको कहीं कहीं 700 AD to 1700 AD लिखता है, तो कहीं कहीं 8th सेंचुरी, ये क्या 8th सेंचुरी से शुरू होता है और 18th सेंचुरी तक, ठीक है, ये सेंचुरी में दिया हुआ है, ठीक है। तो ये सेंचुरी में है, तो इसी में, इसी टाइम पीरियड में हम लोग को मेडिवल हिस्ट्री पढ़ना है। तो देखते हैं क्या है कि मेडिवल पीरियड जो है फिर से 2 भागों में बांट दिया गया है, ठीक है। मेडिवल पीरियड 2 भागों में बांट दिया है। फर्स्ट है अर्ली मेडिवल पीरियड, ठीक है। एक में हम लोग पढ़ेंगे क्या अर्ली मेडिवल पीरियड, सेकेंड में लेटर मेडिवल पीरियड। अर्ली मेडिवल पीरियड जो है उसका टाइम 712 से, जब से मेडिवल पीरियड शुरू होता है तब से लेके 1200 AD तक का है, लगभग 500 ईयर्स, ओके। 712 AD से लेके 500 का ये टेन्योर है, तो ये 1200 ईस्वी तक चलता है अर्ली मिडिवल। अर्ली मतलब होता है शुरुआत का, ठीक है, अर्ली मिडिवल पीरियड। उसके बाद है लेटर, यानी बाद का मिडिवल पीरियड, ऐसा मिडिवल पीरियड जो अंतिम लास्ट वाला जो है मिडिवल पीरियड, ये 2 भागों में बटा है, तो एक अर्ली हो गया और एक लेटर हो गया, ठीक है। अर्ली मिडिवल पीरियड में द पालाज के बारे में पढ़ना है, पाल शासक के बारे में पढ़ना है, द प्रतिहाराज, प्रतिहार शासक के बारे में पढ़ना है, द राष्ट्रकूटाज, राष्ट्रकूट के बारे में पढ़ना है, द चोलाज, चोल शासक के बारे में पढ़ना है, चोल साम्राज्य के बारे में पढ़ना है, एंड द अर्ली राजपूत, ठीक है। हम लोग को शुरुआती जो राजपूत शासक हुए भारत में, जो भारत के अलग अलग प्रोविंसेज में आके जो शासन किए उसके बारे में पढ़ना है। जबकि लेटर में, मिडिवल में पढ़ना है द टर्किस के बारे में पढ़ना है। टर्किस मत कहने का मतलब जो तुर्क है, तुर्क भारत पर शासन किए और वो लेदर मेडिवल पीरियड में किए, तो उसके बारे में, टर्किस के बारे में पढ़ना है हम लोग को लेदर मेडिवल पीरियड में। इस समय मुसलमानों का ज़्यादा वर्चस्व बढ़ गया था, मुसलमान शासकों का, लेदर मेडिवल में। शुरुआत हुआ कब से, अर्ली मेडिवल पीरियड में। हम आप लोग को 6th क्लास के से जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें बताए हैं जो एंशियंट पीरियड है उसमें इंडिया पर ज़्यादातर हिंदू शासक ने शासन किया है, मेडिवल, जबकि मेडिवल आते आते यहाँ पर मुस्लिम शासक का शासन बढ़ जाता है। और मॉडर्न में ब्रिटिशर्स के बारे में पढ़ेंगे, जो ब्रिटिशर्स हमारे ऊपर, अंग्रेज जो हमारे ऊपर जो शासन किए उसके बारे में पढ़ना है। तो जो मेडिवल पीरियड है, जो मुसलमान का शासन है, तो शुरू में अर्ली मेडिवल पीरियड में ये कम रहा, धीरे धीरे पनपा मुस्लिम शासन, और पनपते पनपते लेटर मिडिवल पीरियड में ये जाके पिक पर था, सर्वोच्च पर था, और इसके बाद धीरे धीरे ये भी ख़त्म हो गया, और इसके बाद क्या आ गया, ब्रिटिश शासक आ गया है, ठीक है। तो यही हम लोग को इसमें पढ़ना है। तो इसमें पढ़ेंगे टर्किस
के बारे में पढ़ेंगे लेटर मेडिवल में। टर्किश कहने का मतलब जो तुर्क से आए हुए मुसलमान थे, वो तुर्क के मुसलमान जो है यहाँ शासन किए, वो उसके बारे में पढ़ना है, ठीक है। इसमें ज़्यादातर हम लोग दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ेंगे। दिल्ली सल्तनत में जो सिलेव डायनेस्टी है, ठीक है, सिलेव डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी, इन लोगों के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद है द वेरियस रीजनल किंगडम, और हम लोग पढ़ेंगे छोटे मोटे जो राजा थे अलग अलग प्रोविंसेस के, उसके बारे में, अलग अलग क्षेत्र के, उसके बारे में पढ़ेंगे। एंड द मुगल, और मुगल के बारे में पढ़ेंगे। मुगल के बारे में बताए थे 6th क्लास में, याद होगा तो रिकॉल करने का कोशिश कीजिएगा। मुगल का जो संस्थापक थे वो बाबर था, ठीक है। मुगल का संस्थापक जो एस्टेब्लिश किए वो बाबर किए 1526 ईस्वी में, ठीक है। तो इससे ध्यान रखिएगा कि हम लोग को दिल्ली सल्तनत पढ़ना है और मुगल सल्तनत पढ़ना है। उसी में कहीं कहीं के किंगडम्स के बारे में, छोटे छोटे किंगडम्स के बारे में भी पढ़ते रहना है। साइलेंट फीचर ऑफ द मिडिवल पीरियड, आप लोग को इस चैप्टर में पढ़ना है, वेन वेयर एंड वाई, वाई में पढ़ना है साइलेंट फीचर ऑफ मिडिवल पीरियड, यानी मिडिवल पीरियड का क्या क्या फीचर्स था उसके बारे में पढ़ना है। साइलेंट फीचर ऑफ मिडिवल पीरियड, ठीक है। तो देखते हैं मिडिवल पीरियड का जो फीचर्स क्या क्या है उसके बारे में देखते हैं। सफिशियंट हिस्टोरिकल मटेरियल इज अवेलेबल एज कम्पेयर टू एंशियंट पीरियड। इसमें क्या था, जो मिडिवल पीरियड है उसमें आते आते, इंटर करते करते हमारे पास एविडेंसेस की प्रचुरता हो गई, बहुत ज़्यादा मात्रा में एविडेंसेज मिलने लगे उस पीरियड का। जैसे कि पहले लिखने के लिए पेपर्स नहीं था, लेकिन मिडिवल पीरियड में आते आते पेपर वाइडली यूज करने लगे यहाँ के राइटर्स, जिस कारण से जब ज़्यादा पेपर यूज करेंगे तो उसके द्वारा लिखे हुए बुक नोट्स वगैरह ज़्यादा उपलब्ध होगा, और ज़्यादा उपलब्ध होगा तो उस समय का जो सोशल इकोनॉमिकल जो स्टेटस है, उस समय का जो सिटीजन है, उस समय के जो किंग है, उनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हम लोग को प्राप्त होगा, ठीक है। तो इस समय क्या है, मिडिवल पीरियड का जो एक फीचर है वो फीचर क्या है कि हम लोग के पास सफिशियंट हिस्टोरिकल मटेरियल है, सफिशियंट एविडेंसेज है। सेकेंड क्या है, द राइज ऑफ भक्ति एंड सूफी मूवमेंट, ठीक है। भक्ति एंड सूफी मूवमेंट में क्या हुआ कि इस समय जो किंग है, ठीक है, और ये सब क्या करने लगे, अपने अपने रिलीजन को के डेवलपमेंट के लिए अलग अलग तरह के वर्क किए। लेकिन उसी में भक्ति और सूफी मूवमेंट भी बहुत बड़ा रोल अपनाया, और वो क्या किया, वो रिलीजन को स्प्रेड करने में, फैलाने में वो हेल्प किया। जैसे भक्ति जो है, भक्ति के थ्रू जो हिंदू धर्म के जो धर्म संचालक थे, वो हिंदू धर्म को फैलाने का कोशिश किए, जबकि सूफी मूवमेंट के द्वारा मुस्लिम धर्म के जो जो प्रचारक थे उसका प्रचार किए और उसको फैलाने का कोशिश किए, ठीक है। द फाउंडेशन ऑफ मुगल एम्पायर बाई बाबर इन 1526। अभी अभी बताए हैं कि इसी समय इन मिडेवल पीरियड मुगल सल्तनत, ठीक है, मुगल सल्तनत का क्या हुआ, मुगल सल्तनत का फाउंडेशन हुआ, और फाउंडेशन किसके द्वारा हुआ, बाबर के द्वारा, ठीक है। बाबर इसका स्थापना किया 1526 ईस्वी में, 1526 AD, ठीक है। द राइज ऑफ द मराठाज एंड सिक्स, ठीक है, मिडिवल पीरियड में ही मराठा और सिक्स का राइज हुआ, उनका उदय हुआ, वो यहाँ मतलब भारत की जमीन पर आए और यहाँ शासन किए। फिफ्थ है इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी अटैच्ड यूरोपियन कंट्री टू एस्टेब्लिश्ड ट्रेड रिलेशन विथ इंडिया। क्या हुआ, जो इस पीरियड में, मिडिवल पीरियड में जो यूरोपियन कंपनी थे, जितने भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी, ये सब आए और मिडिवल पीरियड में भारत से अपना जो इकोनॉमिकल रिलेशन बनाए और यहाँ से ट्रेड करना प्रारंभ किए, ठीक है।
उसके बाद है लास्ट टॉपिक है इंडिपेंडेंस ऑफ सेवरल प्रोविंशियल किंगडम। प्रोविंशियल किंगडम क्या है, इसमें इस पीरियड में बहुत सारे छोटे छोटे जो मुगल के अंडर में नहीं रह पाए जो प्रोविंसेज, वो इंडिपेंडेंट रहने लगे, स्वतंत्र, अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लिए। और इसी मिडिवल पीरियड में वो अपने आप को स्वतंत्र घोषित करके अपना अलग किंगडम बनाए, अपना स्वतंत्र रूप से रहे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। टर्म्स यूज फॉर द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। देखिए, इंडियन सब कॉन्टिनेंट है यानी कि भारतवर्ष जो है, ठीक है, भारतीय उपमहाद्वीप जिसको बोलेंगे या भारतवर्ष, वो किसको किसको काउंट किया जाता था, कौन कौन से देश आते थे। तो इसमें हिमालय के दक्षिण में जितने भी देश हैं सभी को लगभग इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर लिया जाता है। ठीक है, तो उसमें कौन कौन से देश हैं वो देखिए, इसमें देश है अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार। ठीक है, तो और इंडिया, एक और आप लोग इसमें ऐड कर दीजिए, एक नहीं लिखा हुआ है यहाँ पर, वो लिख लीजिए इंडिया। ठीक है, इंडिया ही भूल गए। ठीक है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में टोटल 7 कंट्री है। ठीक है, और वो 7 कौन-कौन है, वो सेवन है अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार और इंडिया। ये 7ों देश को एक साथ बोला जाता है इंडियन सब कॉन्टिनेंट। तो अलग अलग हिस्टोरियन जो है, अलग अलग हिस्टोरियन अलग 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 टाइम पीरियड में इसका नाम, इंडियन सब कॉन्टिनेंट का नाम अलग अलग टर्म्स में लिया। कोई इंडियन सब कॉन्टिनेंट को कुछ और माना, तो कोई इंडियन सब कॉन्टिनेंट को कुछ और रीजन माना। और कौन कौन से जो एविडेंसेज है, जैसे कि हम लोग उसी एविडेंसेज को पढ़ेंगे, जैसे दिखाते हैं आप लोगों, इंडियन जो सल्तनत और मुगल पीरियड के जो शासक है, सल्तनत और मुगल पीरियड के जो शासक है, वो इंडियन डोमिनियन को ही इंडियन सब कॉन्टिनेंट का हिस्सा माने, यानी उस समय जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, ये सब जो था उसको क्या माना, इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर, अफगानिस्तान को भी, तो जो, या फिर सेंटर्ड अराउंड द दिल्ली। बाद में धीरे धीरे ये मॉडिफाई होके उतना ही दूर को माना इंडियन सब कॉन्टिनेंट जो दिल्ली के चारों तरफ लोग रहते थे, दिल्ली को केंद्र माना और उसके चारों तरफ, मान लीजिए ये दिल्ली है, दिल्ली को क्या किया, दिल्ली को केंद्र मान लिया गया और इसके चारों तरफ जो भी लोग रहते थे उस सभी को, और इस एरिया को, इसी को माना गया इंडियन सब कॉन्टिनेंट। ठीक है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट इसी को माना गया। अर्ली 16th सेंचुरी, अर्ली 16th सेंचुरी में बाबर के द्वारा द फूना एंड द कल्चर ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, हर किसी को, हर वो चीज जो इंडियन जो जो इंडियन इंडिया के अंदर था, ठीक है, और उसके शासन में था, उसके जो जो वहाँ के जो मनुष्य थे, जीव जंतु थे और उस उसकी सभ्यता के मानने वाले थे, उसको इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर कंसीडर किया। ठीक है, 19th सेंचुरी में द नॉर्दर्न रीजन ऑफ इंडिया बिटवीन द इंडस एंड ब्रह्मपुत्रा। ठीक है, जो बताते हैं इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैप लगाना होगा आप लोग के सामने, जस्ट मिनट, मैप लगाने दीजिए। देखिए, क्या कह रहा है, 19th सेंचुरी में किसे माना गया, तो 19th सेंचुरी में नॉर्थ रीजन ऑफ इंडिया, इंडिया के नॉर्थ साइड में बिटवीन इंडस एंड ब्रह्मपुत्रा एंड बिटवीन हिमालय एंड विंध्याज, यानी कि ठीक है, ये देखिए, इंडस एंड हिम
मान लीजिए कि ये रिवर यहाँ से इंडस बहती है और ऐसे करके ये बंगाल की ये अरब सागर में गिर जाती है, ब्रह्मपुत्र ऐसे आके और यहाँ से बंगाल में गिर जाती है, और हिमालय जो माउंटेन है, हिमालय माउंटेन यहाँ से यहाँ तक ऐसे फैला हुआ है, और विंध्या माउंटेन मध्य प्रदेश में ऐसे ये फैला हुआ है विंध्या। तो इसी के बीच में, इसी के बीच का रीजन जो है वो क्या था, इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर कंसीडर किया गया था, ठीक है। उसी के बीच का जो रीजन है वो क्या था, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में था। ठीक है, तो इसी के बीच का जो रीजन है वो क्या था, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, ठीक है, कि नॉर्थ में जो इंडस रिवर है वहाँ से, इंडस रिवर से लेकर और ब्रह्मपुत्र रिवर तक, आप देखिए ये जो है इंडस रिवर है, ये ब्रह्मपुत्र रिवर है, तो यहाँ से यहाँ तक, उसके बाद नॉर्थ में फिर हिमालय माउंटेन से लेकर विंध्या माउंटेन तक। तो ये जो रीजन देख रहे हैं इस रीजन को बोला गया इंडस, इंडियन सब कॉन्टिनेंट, ठीक है। इसी रीजन को, इसमें जितने भी राज्य हैं वो सभी इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर था। अब है ये 19th सेंचुरी का बता रहे थे कि 19th सेंचुरी में इंडियन सब कॉन्टिनेंट कहाँ से कहाँ तक माना जाता था, इंडस रिवर से ब्रह्मपुत्र रिवर एंड एंड जो हिमालय माउंटेन से विंध्याचल माउंटेन तक, ठीक है। हिंदुस्तान, हिंदुस्तान एक हिंदू उर्दू शब्द है जो हिंदू और हिंद और स्थान, हिंद और स्थान ये दोनों को मिलाकर बनाया गया है हिंदुस्तान, ठीक है। तो ये दोनों से मिलकर बना है, हिंदू और उर्दू दोनों से मिलाकर बनाया गया है। भारत कभी कभी इसका यूज किया जाता है, तो भारत एक संस्कृत लैंग्वेज का, संस्कृत लिटरेचर का वर्ड है, ठीक है। ये क्वेश्चन में पूछा जाता है भारत किससे संबंधित है, किस भाषा से संबंधित है, तो आप लोग जान जाइए कि भारत जो है वो संस्कृत भाषा से संबंधित है। उसके बाद है इंडिया, दैट इज भारत, ये लिखा गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, इंडिया दैट इज भारत, इंडिया जो कि भारत है, ठीक है। इंडियन के कॉन्स्टिट्यूशन में आप पढ़िएगा तो प्रेम्बल में लिखा गया है इंडिया दैट इज भारत, यानी कि इंडिया जो भारत है, यानी दोनों एक ही हैं, जो इंडिया है वही भारत है और जो भारत है वही इंडिया है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। इट इज डिस्क्राइब्ड इन आवर कंट्री ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। ये हमारे भारतीय संविधान में मेंशन किया गया है। द रिपब्लिक ऑफ इंडिया भी भारत को बोला जाता है, भारत का दूसरा नाम द रिपब्लिक ऑफ इंडिया है। नोट, हिंदुस्तान इज मोस्टली यूज हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट, हिंदुस्तान जो शब्द है, जो वर्ड है हिंदुस्तान, हम लोग ज़्यादातर इसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं, हम लोग हिस्ट्री में करते हैं। हिंदुस्तान वर्ड का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हम लोग हिस्ट्री में करते हैं, हिस्ट्री से बाहर हिंदुस्तान शब्द का इस्तेमाल कम ही करते हैं, ठीक है। अगला पेज में देखते हैं। अब देखिए कि इसमें हम लोग पढ़ेंगे सोर्स ऑफ हिस्ट्री, मिडिवल पीरियड का जो हिस्ट्री है उसके सोर्स के बारे में पढ़ेंगे कि उसका सोर्स क्या है। तो सोर्स के बारे में पढ़ेंगे तो देखते हैं, तो 6th क्लास में आप लोग पढ़े होंगे कि सोर्स ऑफ हिस्ट्री कैसे बांटा गया है। हिस्ट्री के सोर्स दो भागों में बांटा गया है, एक होता है लिटरेरी सोर्स, एक होता है आर्कोलॉजी सोर्स, ठीक है। उसके बाद फिर से लिटरेरी सोर्स दो भागों में बट जाता है, लिटरेरी सोर्स एक हो जाता है रिलीजियस और एक होता है सेकुलर, ठीक है। सेकुलर भी अलग अलग भागों में बट जाता है, सेकुलर बट जाता है किस में, सेकुलर बट जाता है कि एक जो फॉरेनर है, फॉरेनर जो फॉरेन ट्रेवलर जो आए यहाँ, ठीक है, यहाँ पर देखिए फॉरेन फॉरेन ट्रेवलर लिखा हुआ है, उसके द्वारा लिखा जाता है, उसको फॉरेन ट्रेवलर बोलते हैं। और इसके बाद जो क्रॉनिकल लिटरेचर होता है,
ठीक है। तो क्रॉनिकल लिटरेचर जो भारत देश के ही जो लिटरेचर, ये इस सब के लिए आप 6th क्लास का जो वीडियो डाले हैं उसको एक बार जरूर देख लीजिए, सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसको छोड़ते हैं, जल्दी से कंप्लीट करने का कोशिश करते हैं इस टॉपिक को, क्योंकि इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं, 6th क्लास का पढ़ लीजिए, बाकी सब आसान हो जाएगा। ठीक है, उसी से रिलेटेड है और सेम उसी तरह का डिवीजन है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, सिर्फ इसमें कुछ उदाहरण अलग अलग है। लिटरेरी सोर्स में जो है हम लोग जानते हैं, पढ़े हैं फीचर्स ऑफ मिडिवल पीरियड की, वहाँ पेपर ज़्यादा यूज होने लगा, पेपर का प्रयोग ज़्यादा होने लगा, जिस कारण से यहाँ क्या हुआ, यहाँ पर ज़्यादा उसके बाद ज़्यादा एविडेंसेज मिलने लगे। ठीक है, यहाँ ज़्यादा एविडेंसेज मिलने लगे, बट नो प्रिंटिंग प्रेस। लेकिन इस समय प्रिंटिंग प्रेस नहीं था, प्रिंटिंग प्रेस नहीं होने के कारण क्या है, अर्ली राइटिंग वाज पेलिन लिव एंड ब्रिच बर्ग। अच्छा, इससे पहले जो लिखा जाता है वो क्या, पाम एंड ब्रिच के छाल और पत्ते पर लिखा जाता था, जिस कारण से कम एविडेंसेस थे और इसके बाद एविडेंसेस मिलना ज़्यादा शुरू हो गए। ठीक है, और जब प्रिंटिंग प्रेस नहीं था, जिस कारण से जब कोई एक राइटर किसी चीज़ को लिख देते, ठीक है, जैसे कि मेरा लिखा हुआ, ये मेरा हैंड राइटिंग है, ठीक है, जब ये लिखा हुआ है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि इसको यदि कोई नकल करने का कोशिश करे तो हर एक वर्ड जैसा हम लिखे हैं वैसा ही वो लिखे, उसमें चेंजिंग आ सकता है। ठीक है, उसमें क्या सकता है, चेंजिंग आ सकता है। जैसे कि आपको बता दें, जैसे कि ये देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है ऑटोबायोग्राफी, तो हम यहाँ छोटा सा एरर है जिस कारण से आप लोग इसको गलती लिख सकते हैं, कोई यदि हूबहू उतारने का कोशिश करे तो गलत लिख लेगा। क्या है, बायोलॉजी में बी जो देखिए ऐसे करके ऐसे लिखा हुआ है, इतना ही पर मिला हुआ है, पूरा उस लाइन में सटा, इस लाइन में यहाँ तक सटा हुआ नहीं है, देखिए बता रहे हैं यहाँ तक ऐसे नहीं है, जिस कारण से कोई तो इसको बी भी पढ़ सकता है और कोई इसको एच पढ़ सकता है। ठीक है, तो इस तरह के कॉमन छोटे छोटे लिखने में राइटिंग जो प्रॉब्लम है, लिखने के कारण जो गलतियाँ होती है, राइटिंग एरर है, एरर जो है, जिस कारण से जो पुराने के इतिहास और अभी के इतिहास में थोड़ा सा चेंजिंग राइटिंग एरर के वजह से आता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि उस समय किसी भी तरह का प्रेस नहीं था, प्रिंटिंग प्रेस नहीं था। ठीक है, तो ये समझ गए होंगे कि एक का कॉपी लेके आप अपने दोस्त का कॉपी लीजिए और कॉपी से लिखना शुरू कीजिए, तो उसमें कुछ ऐसे वर्ड आएंगे जो आपको समझ में नहीं आएगा, जब समझ में नहीं आए तो क्या, आप उसके बदले कुछ और ऐसा उसी से मिलता जुलता ही शब्द लिख दीजिएगा, बोलिएगा कि लिख दे रहे हैं अभी इसको ऐसे ही, क्या करें, हो ही नहीं, पता ही नहीं चल रहा है। तो इस तरह के एरर्स को बोलते हैं राइटिंग एरर्स, और इस तरह के एरर्स मिडेवल पीरियड में ज़्यादातर हुआ, और इसका मात्र और मात्र एक ही कारण था कि उस समय प्रिंटिंग प्रेस नहीं था। यहाँ तक कि अभी भी प्रिंटिंग प्रेस होने के बावजूद भी कुछ राइटिंग एरर्स आ जाते हैं, क्या है, टाइपिंग मिस्टेक आ जाता है, तो ये काफ़ी ज़्यादा कॉमन है, और जिस कारण से थोड़ा सा हिस्ट्री में चेंजेज आ जाते हैं, एक के बाद दूसरे में लिखने में चेंजेज आ जाते हैं। ठीक है, अगला है, तो जो लिटरेरी सोर्स है उसको हम आप लोग को बताए हैं, लिटरेरी सोर्स दो भागों में बट जाता है, रिलीजियस एंड सेकुलर। तो रिलीजियस में वही वेद वगैरह आ जाता है, वेद, अलग अलग वेद तो आता ही है, साथ में अलग अलग धर्म ग्रंथ जैसे कि रामायण महाभारत, ठीक है, ये सब आता है। ऑटोबायोग्राफी के बारे में देखते हैं, इसमें कौन कौन से ऑटोबायोग्राफी लिखा गया इस समय में, एक लिखा गया है वो है बाबरनामा। बाबरनामा में हमें बाबर के समय का टेन्योर का पता चलता है कि उस समय के जो बाबर का जो शासन था वो किस तरह का था, वहाँ के लोग और वहाँ के इकोनॉमिक कंडीशन के बारे में हम लोग को पता चलता है। ताजुके जहांगीरी, देखिए यहाँ पर जो लिखा हुआ है जहांगीरी, तो जे ये यहाँ पर लिखा हुआ है, जे ये यहाँ लिखा हुआ है, जे, लेकिन ये ऐसा लग रहा है कि जैसे टी लिखा हुआ है, तो
इस तरह से किसी को पढ़ने में प्रॉब्लम हो सकता है। ये तो मेरे मैं खुद लिखा हूँ जिस कारण से हम खुद से पढ़ लिए, लेकिन कोई अलग दूसरा यदि पढ़ेगा तो यहाँ देखिए यहाँ पर और यहाँ पर, ये यहाँ और ये वर्ड ये जहांगीर है, जे लिखा हुआ है तो, और दिखने में ऐसा लग रहा है कि जैसे कि जे लिखा हुआ, तो इस तरह के गलती के कारण कॉमन एरर्स हो जाते हैं राइटिंग में, लिखने में, लिटरेरी सोर्स में, ठीक है, जिस कारण से प्रॉब्लम आता है, हिस्ट्री थोड़ा सा बदल जाता है आगे बार बार उसको लिखने से। तो ये है ताज के जहांगीरी, और इसमें जहांगीर जहांगीर के समय के टेन्योर के बारे में हमें पता चलता है, ठीक है। अगला है बायोग्राफी, बायोग्राफी में राज तरंगिनी, राज तरंगिनी जो है कलहन के द्वारा लिखा गया है, ठीक है, कलहन के द्वारा लिखा गया, और ये कलहन जो है जो कश्मीर में रहा करते थे, कश्मीर के शासक के दरबार में रहते थे, तो उस समय कश्मीर के रूलर्स के बारे में उसके इस बुक पुस्तक राज तरंगिनी से पता चलता है। ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वीवीआई है, अक्सर एग्जामों में पूछा जाता है कि राज तरंगिनी का लेखक कौन है, तो आप लोग याद रख लीजिए कलहन है, और राज तरंगिनी के जो लेखक कलहन है उसमें कहाँ के शासक के बारे में पता चलता है, तो वो है कश्मीर। उसके बाद है कुमार पाल चित्रा, ठीक है, ये सेमेंड्रा सेमेंद्रा के द्वारा लिखा, क्षेमेंद्रा के द्वारा लिखा गया था, ठीक है। उसके बाद पृथ्वीराज रासो, इसको चंदबरदाई, ये भी काफ़ी ज़्यादा कॉमन क्वेश्चन है, पूछा जाता है पृथ्वीराज रासो किसके द्वारा लिखा गया है, तो वो है चंदबरदाई, ठीक है, चंदबरदाई के द्वारा लिखा गया था बुक, और वो बुक है बायोग्राफी, किसी की बायोग्राफी का मतलब होता है किसी के बारे में जीवनी को लिखना बायोग्राफी होता है, और यदि कोई जीवनी वो आदमी खुद से लिखे तो उसको ऑटोबायोग्राफी बोलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ऑटोबायोग्राफी पढ़े थे, तो ये जीवनी उसके द्वारा खुद लिखा गया था, और बायोग्राफी मतलब होता है कि कोई और लेखक के द्वारा लिखा गया था, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे इलस्ट्रेटेड लिटरेरी वर्क, उसके अलावा कुछ ऐसे नायाब जो है लिटरेरी वर्क हुए उसके बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि ताजुके बाबरी, तजुके अकबरी, तजुके जहांगीरी, ये सब कुछ ऐसे बुक है जिससे हम लोग के हिस्ट्री के बारे में, मिडिवल पीरियड के बारे में पता चलता है। अब है फॉरेन ट्रैवलर, जो फॉरेन ट्रैवलर आए और भारत में आके यहाँ और भारत के बारे में लिखे उसका, उसके बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि किताबुल हिंद, किताबुल हिंद जो है अलबरूनी को द्वारा लिखा गया है, और अलबरूनी जो है वो जब आए उस समय यहाँ का शासक था महमूद गजनवी के, जो महमूद गजनवी अक्सर जो हमला किए वो तजुके हिंद में लिखा गया है, अलबरूनी महमूद गजनवी के शासनकाल में आए थे, और मतलब उन्हीं के साथ आते थे जब भी वो हमला करते थे, और भारत के बारे में तजुके हिंद में लिखा हो गया है कि महमूद गजनवी कितना बार भारत पर हमला किया, कहाँ कहाँ लूटा, तो उसके बारे में दिया हुआ है। सोशल मैनर्स एंड कस्टमर्स ऑफ द साउथ इंडिया, देखो क्या है, एक मार्को पोलो, ठीक है, जो मार्को पोलो आया भारत में जो 1292 ईस्वी में, 1292 ईस्वी में आया, और वो जो है किसके बारे में लिखा, साउथ इंडिया के हिस्ट्री के बारे में, साउथ इंडिया के बारे में लिखा, ठीक है। उसी तरह इबन बतूता, इबन बतूता मोरक्को का लेखक था, और वो भी एक ट्रैवलर था, वो ट्रैवलिंग करते करते आया, और वो भी विजयनगर साम्राज्य के बारे में लिखा और साउथ इंडिया के बारे में लिखा, शायद साथ साथ निकोलो कैंटी, निकोलो कैंटी इटालियंस था, इटली का था, और रास्ते में वो जा रहा था गल्फ जा रहा था, जिस रास्ते में भारत में आया, और भारत में आने के बाद यहाँ कुछ दिन रहा, ट्रैवलिंग कर रहा था तो कुछ दिन रहा, तो वही विजयनगर में आया था, और विजयनगर में रह के और वहाँ विजयनगर साम्राज्य के बारे में लिखा, ठीक है। अकबर रज्जाक जो है वो एम्बेसडर था, ठीक है, समरकंद का एम्बेसडर था, जो जिसको कौन भेजा था, शाहरुख भेजा था, ठीक है, शाहरुख ने इसको भेजा था, और ये जो गोवा है, गोवा में जो कालीकट है, कालीकट जगह पर जमोरिन जमोरिन शासक और विजयनगर साम्राज्य के बारे में ये भी लिखा, कौन, अब्दुल रज्जाक।
तो ये सब कुछ लेखक हैं और उसके बुक है जो अक्सर जिसका रेफरेंस लेके आप लोग का हिस्ट्री को तैयार किया गया, उसी के द्वारा हम लोग पढ़ते हैं हिस्ट्री, तो उसको जानना है। उसके बाद है साउथ इंडिया के बारे में बताएं, निकितिन निकितिन बताएं जो रसिया के थे, ठीक है, रसिया के थे कौन, निकितिन, वो क्या साउथ इंडिया के बारे में ये भी बताएं। उस तरह के बहुत सारे ट्रेवलर हुए जैसे कि बारबोसा, राबता फिंच, रूय, टार्वेनर, बार्निन, मनुकी, ठीक है। तो ये अलग अलग फॉरेनर हैं जो कब 16th सेंचुरी में आए और यहाँ के बारे में लिखे। ये सब यूरोपियन थे, यूरोप के आए, यूरोपियन थे, यूरोप से आए थे और भारत के अलग अलग कम्युनिटी के बारे में, अलग अलग वहाँ यहाँ से जो ट्रेड किए उसके बारे में, यहाँ की इकोनॉमिक कंडीशन के बारे में और मैन्युफैक्चरिंग, मैग्निफिकेंस ऑफ इंडिया, इंडिया के मैग्निफिकेंस के बारे में लिखे, ठीक है। अब है आर्कोलॉजिकल सोर्स, लिटरेरी सोर्स में इतना याद करना है, इसमें से जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट बोले हैं जैसे कि अलबरूनी के बारे में और उसके बाद इबन बतूता के बारे में, ताजिक हिंद जो है उसके बारे में, तहकीके हिंद है उसके बारे में, तजुके जहांगीरी है उसके बारे में, तो ये सब याद कर लीजिएगा। राज तरंगिणी कलहर के द्वारा लिखा गया है वो, तो ये सब काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आर्कोलॉजिकल सोर्स में हम लोग जानते हैं, आर्कोलॉजिकल सोर्स में वैसे लिया वैसे सोर्सेज को लिया जाता है जो जिस पर कुछ लिखा हुआ नहीं है तो उसको बोलते हैं, या फिर बहुत कम लिखा हुआ है तो उसको बोलते हैं आर्कोलॉजिकल सोर्स, ठीक है। तो आर्कोलॉजिकल सोर्स में आता है बिल्डिंग, पोएट्री, वेपन्स, ऑर्नामेंट्स, ठीक है, क्वाइन, ये सभी आता है। तो क्वाइन हम लोग को क्या बताता है, क्वाइन स्टेट द पॉलिसी एंड इकोनॉमी ऑफ एनी स्टेट, ठीक है। ये क्या बताता है, किसी भी स्टेट की पॉलिसी और वहाँ के इकोनॉमिकल कंडीशन को बताता है और वहाँ के सिंबल्स को बताता है, ठीक है। उसके बाद है द क्वाइन ऑफ द महमूद बिन तुगलक, ठीक है, हम लोग को मिला है महमूद बिन तुगलक के क्वाइन मिला है, द क्वाइन ऑफ प्रोविंशनल रूलर्स, अलग अलग प्रोविंस के रूलर्स के, अलग अलग छोटे छोटे साम्राज्य जो है उसके, उसका जो क्वाइंस मिला है, द क्वाइन ऑफ बंगाल रूलर्स, बंगाल के जो रूलर है उसके क्वाइंस मिला है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसमें देखते हैं क्या होता है कि जो रिलीजियस जो ट्रेडिशन है उस समय का, मेडिवल पीरियड का जो रिलीजियस ट्रेडिशन है, तो इसमें जो चला था जो मोमेंट, दो तरह के मोमेंट, एक भक्ति मोमेंट और सूफी मोमेंट। तो भक्ति मोमेंट और सूफी मोमेंट में क्या हुआ कि जो भक्ति मोमेंट के द्वारा बिल्डिंग्स ऑफ टेम्पल्स, ज़्यादातर मंदिरों को बनाया गया और इम्पोर्टेंट एक्टिविटी फॉर द हिंदू रूलर, ये जो मंदिरों को बनाना हिंदू रूलर के द्वारा सबसे बड़ा एक्टिविटी हो गया। जल्दी जल्दी ख़त्म करने का कोशिश करते हैं क्योंकि बैकग्राउंड में म्यूजिक बज रहा है, ठीक है, शादी का माहौल है जिस कारण से जल्दी ख़त्म करते हैं। ब्राह्मण बिकम्स वेल्दी एंड पावरफुल ड्यू टू द टैक्स फ्री, उस समय के जो रूलर है वो ब्राह्मण को टैक्स फ्री कर दिए थे। जो ब्राह्मण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड कास्त, ये चार भागों में डिवीजन था हमारे समाज का। उसमें सबसे ऊपर टॉप पर ब्राह्मण था और ब्राह्मण टॉप पर होने के कारण वो अपने लिए ऐसा नॉर्म्स बनाते हैं, उसका जो ऐसा नॉर्म्स था या फिर जो रिलीजियस नॉर्म्स बनाते थे जिसमें वो टॉप पर आते थे और सर्वश्रेष्ठ मानते थे। और जो राजा है वो क्षत्रिय के अंदर में आता था, तो क्षत्रिय से भी ऊपर अपने आप को मानते थे, जिस कारण से टैक्स, जो राजा भी थे वो ब्राह्मण्स की बात मानते थे और उसको टैक्स फ्री कर दिए, जिस कारण से उस समय के जो ब्राह्मण्स हैं काफ़ी ज़्यादा धनवान हो गए, वेल्दी हो गए। क्यों? क्योंकि वो टैक्स फ्री, किसी भी तरह का कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ता था। ब्राह्मण्स मेक द कास्ट रूल रूलर्स, ठीक है, मेक द कास्ट रूल्स, अलग अलग कास्ट के लिए अलग अलग रूल्स बनाते थे ब्राह्मण। एंड द रिलीजियस नॉर्म्स वेरी रिजिड, और धर्म धर्म का भी अलग अलग तरह के नॉर्म्स, कुछ जो नियम और कानून हैं काफ़ी रिजिड कानून बनाते थे, ठीक है। तो ये
भक्ति मोमेंट के द्वारा हुआ, उसी तरह सिख सूफी मोमेंट में क्या हुआ, सूफी मोमेंट में इस्लाम एज ए न्यू रिलीजन, इस्लाम क्या है एक नया रिलीजन बन के उभरा, ठीक है। इस्लाम क्या था, एक नया रिलीजन था, जब इस्लाम एक नया रिलीजन बना और क्या किया गया, और उसके द्वारा किया गया क्या कि टीच द होली कुरान, और उनके जो धर्म ग्रंथ है कुरान, होली कुरान को ज़्यादा लोगों तक फैलाया गया, उसके बारे में बताया गया, हिंदू मुस्लिम धर्मों के बारे में बताया गया। तो ये उस समय हुआ, किस मोमेंट में ये हुआ, सब सूफी मोमेंट में। इस्लाम बिकम्स द मोर पावरफुल सॉरी मोर पॉपुलर इन इंडिया, और सूफी मोमेंट के द्वारा इस्लाम क्या हो गया, ज़्यादा पॉपुलर हो गया, ज़्यादा लोग मानने लगे। क्यों, क्योंकि इनके सपोर्ट के लिए उस यहाँ के जो राजा थे, किंग थे, वो इनको सपोर्ट किया करते थे। जो मुस्लिम किंग हैं वो सूफियों को सपोर्ट करते थे, और जो हिंदू किंग थे वो भक्ति मोमेंट के जो भक्ति जो हिंदू धर्म के जो धर्म गुरु हैं उनको सपोर्ट करते थे, जिस कारण से ये हुआ और इस्लाम का ज़्यादा स्प्रेड हुआ किसमें, मिडिवल पीरियड में। और ऐसा क्यों, क्योंकि भारत पर मिडिवल पीरियड में मुग़ल और सल्तनत, दिल्ली सल्तनत का ज़्यादा शासन रहा। उसके बाद है द भक्तिज एंड सूफी स्प्रिट प्रिस्ट द इक्वालिटी ऑफ द मैनकाइंड, क्या है प्रिस्ट द इक्वालिटी ऑफ द मैनकाइंड एंड बोथ Mankind and Brotherhood, sorry, उसके बाद है Brotherhood लिखा हुआ, ठीक है, यहाँ Brotherhood है। तो उस समय के जो सूफी मोमेंट और जो भक्ति मोमेंट है, ये दोनों के जो प्रिस्ट थे, ये जैन पादरी थे या फिर उसके धर्म गुरु थे, वो चाहते थे कि हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्म के जो लोग हैं उसमें मैनकाइंड मानवता बढ़े, और साथ साथ इन दोनों में ब्रदरहुड डेवलप हो, भाईचारा डेवलप हो, साथ में रहे, साथ में पले बढ़े, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में मिलकर साथ रहें, साथ बढ़े, ठीक है। तो उस समय के सूफी और जो हिंदू धर्म के जो भी संत थे, सेंट थे, दोनों मिलकर सूफी और सेंट मिलकर, ठीक है, सूफी और सेंट मिलकर भी यही चाहते थे, सूफी और सेंट दोनों भी यही चाहते थे कि हिंदू मुस्लिम साथ रहे, ठीक है, हिंदू मुस्लिम साथ रहे और साथ में क्या करें, और आपस में भाईचारे बना के रखें, हिंदू और मुस्लिम, ठीक है, हम एक साथ रहें, ठीक है, और भाईचारा बना के रखें, ठीक है। तो हमारे अंदाज से आपको, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग को इससे एक नया सीख मिला होगा कि हम लोग को पहले के जो सूफी संत थे, जो धर्म का प्रचार किए, धर्म को फैलाएं, वो भी यही चाहते थे कि हम लोग साथ में रहें। लेकिन आजकल के जो कुछ बाबा, झूठा फकीर, झूठे बाबा, उस सब के चक्कर में मत आइए, और साथ मिल के रहिए और एक साथ रहिए, भारत का नाम रोशन कीजिए, ठीक है। हम के थ्योरी पर चलिए, ह से हिंदू, म से मुस्लिम, हम साथ रहेंगे, साथ बढ़ेंगे, और जो पहले के जो हमारे सूफी संत महात्मा थे उनके मार्गों पर चलेंगे, आजकल किसी के भटकावे पर नहीं आएंगे। तो हिस्ट्री से यही सब हम लोग को सीख मिलता, आखिर हम लोग का धर्म का जो शुरुआत हुआ तो किस कारण से हुआ, उस समय के जो जो सेंट थे, प्रिस्ट थे, वो क्या चाहते थे, और आज कितना ज़्यादा चेंज हो गया, राजनीति के कारण सब आपस में एक दूसरे से लड़वा रहे हैं और अपना रोटी सेक रहे हैं, आपस में एक दूसरे से जला रहे हैं, मार काट करवा रहे हैं, और नेता अपना राजनीति खेल रहे हैं। तो इस सब से बचिए और पढ़ते रहिए, इस तरह के बहुत सारे वीडियो बनाते रहेंगे, देख रहे हैं गाना की वजह से वीडियो नहीं बना पा रहे हैं, तो जब भी समय मिलता है सोचते हैं बना दे, ठीक है। तो इतना ही पर वीडियो को ख़त्म करते हैं, और इंतज़ार कीजिए अगले वीडियो का, जल्द ही आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये 7th क्लास का फर्स्ट लेक्चर था, ठीक है, 7th क्लास का फर्स्ट जो चैप्टर है वो यहीं पर ख़त्म होता है। इसको और अच्छे से जानना है तो आप 6th क्लास का फर्स्ट लेक्चर पढ़िए, ठीक है, उसमें हिस्ट्री का पूरा क्लासिफिकेशन दिया हुआ है, और उसमें से एक एडिशनल जो चीज़ है जो 7th क्लास में पढ़ना है वही यहाँ पर बताया गया। तो पहले 6th क्लास का देखिए, उसके बाद ये देखिए, या फिर ये इसको देख लिए हैं तो जाके उसको फिर एक बार देखिए, फिर इसको एक बार देखिए, तो ऐसा कीजिए आपको अच्छा समझ में आएगा, और इंतज़ार कीजिए अगले वीडियो का। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।